न्यूज वॉल इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। श्रावस्ती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के छात्र छात्राओं ने बहादुराबाद के चौक चौराहे और मुख्य बाजार में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से नशे के दुष्प्रभावों के बारे में लोगों को समझाया। इस दौरान छात्रों ने नशे से होने वाले नुकसान बताया। वहीं आचार्य भानु प्रताप सिंह चौहान ने कहा है कि हमारे समाज को नशे के सामान एक दीमक की तरह खोखला कर रहे हैं। बहुत सारे युवा नशे की लत से अपना जीवन बर्बाद कर चुके हैं। समाज में अपराधों के बढ़ाने का एक कारण भी नशे की लत है। अगर आज हम नहीं जागे तो कल बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए समाज के हर नागरिक खासकर छात्रों का फर्ज बनता है कि वो आगे आए और लोगों को जागरूक करें। राष्ट्रीय सेवा योजना का विशेष शिविर, 7 दिवसीय विशेष शिविर जो आयोजित हो रहा है, इसके तहत हम लोग यहाँ सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के द्वारा यहाँ आए हुए हैं और हमारी इकाई के द्वारा यहाँ दिन प्रतिदिन अपने अलग अलग विषयों पर कार्य किया जा रहा है, जैसे मतदाता जागरूकता अभियान, सिंगल यूज प्लास्टिक और पर्यावरण संरक्षण, डिजिटल इंडिया, टेक्नोलॉजी और अनेक प्रकार के विषयों के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ उपस्थित है। आज हमारे शिविर का यह 5वां दिन है। इस दिन यहाँ पर हम लोगों ने नशा मुक्त बदमाश के पैर में गोली लग गई। घायल बदमाश को पुलिस ने उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। देख रेख का फायदा उठाकर एक बदमाश मौके से फरार हो गया। नौबस्ता थाना क्षेत्र के गोवर्धन पूर्वा निवासी राजेंद्र घायल बदमाश चेकिंग के दौरान पुलिस देखकर भाग रहा था और बाइक सवार बदमाश पीछा करने पर बदमाश ने तमंचे से पुलिस पर फायर झोंक दिया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश राजेंद्र के पैर में गोली लगी। पुलिस ने बदमाश से 315 बोर का तमंचा और 3 कारतूस बरामद किए हैं। मुखबिर खास के द्वारा क्राइम ब्रांच को एक इनपुट दी गई थी कि एक व्यक्ति है जो कहीं अपराध बनाने की योजना अपने साथियों के साथ मिलकर कर रहा है। उक्त सूचना पर यकीन करके क्राइम ब्रांच की फोर्स और थाना नवस्था की फोर्स एक चेकिंग अभियान चलाया गया था, जिसमें चेकिंग की जा रही थी। जो एक बम्बा रोड है, जो थाना नवस्था और सेन पश्चिम पारा जो हमारा थाना है, उस थाना का बॉर्डर है, वहाँ पर पुलिस के द्वारा चेकिंग चलाया जा रहा था। चेकिंग के दौरान में एक श्रावस्ती में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। जिलाधिकारी कृतिका शर्मा, पुलिस अधीक्षक घनश्याम चरोसिया गांव-गांव जाकर मतदाताओं को जागरूक कर रहे हैं। वहीं पुलिस की ओर से सुरक्षा का माहौल तैयार किया जा रहा है। रोज पुलिस टीमें क्षेत्र में भ्रमण कर लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिला रही है, तो वहीं अराजक तत्वों को कार्रवाई की चेतावनी दी जा रही है। साथ ही लोगों को बताया जा रहा है कि सभी लोग कानून व्यवस्था का पालन करें, शांति व्यवस्था बनाए रखें, कोई समस्या है तो पुलिस को अवगत कराएं। साथ यहाँ पर मेरे द्वारा इस ग्राम सभा के और इस पोलिंग सेंटर के आसपास के लोगों की आपराधिक गतिविधियों और सुरक्षा के बारे में समीक्षा की गई। इस ग्राम सभा में कुल 7 सीटर हैं रिकॉर्ड के मुताबिक, उसमें से 2 बॉम्बे में रहते हैं। शेष जो यहाँ रह रहे हैं उनको आम आदमी को जागरूक किया गया है कि उनकी सुरक्षा संरक्षा की पूरा ध्यान रखा जाएगा। निरंतर हमारे बीट कांस्टेबल और जो है हल्का प्रभारी और थाना प्रभारी द्वारा यहाँ 20 मार्च को गोरैया दिवस मनाया जाता है। बचपन के दिनों में अक्सर गोरैया को देखकर उनके पीछे भागकर अक्सर हम सभी का बचपन बीता होगा, लेकिन अब ये नन्हा और आकर्षक जीव विलुप्त की कगार पर है, जिसको लेकर सरकार तो गंभीर ही है। साथ ही तमाम संस्थाओं ने गोरैया संरक्षण की मुहिम छेड़ रखी है। IAACP, PCRP, IWUS, ONGC, CAC, लखनऊ विश्वविद्यालय ने यूपी राज्य जैव विविधता बोर्ड और ASP चिरंजीवी नाथ सिन्हा के सहयोग से बारामती जिले में बस अड्डे पर गोरैया सप्ताह के अंतर्गत जागरूकता अभियान चलाया। प्रोफेसर अमिता कन्नौजिया मैम, जो कि लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, और हमारे जो पुलिस टीम है और सब कुछ, हम सभी के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि जिस तरह से मानव का अस्तित्व इस पृथ्वी पर आवश्यक है, उसी तरह से सभी पक्षियों का, प्राणियों का भी आवश्यक है। और गौरैया तो हमें सुख, शांति और समृद्धि की संवाहक है, तो गौरैया को बचाइए। ये जो हमारी बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत आवश्यक है आज, और इसी मंच के माध्यम से मैं आपसे कहना चाहूंगा कि सभी लोग हम अपने प्राणियों को, आसपास के पक्षियों को बचाएं, खासतौर पर गौरैया को तो अवश्य बचाएं। रायबरेली के सदर तहसील के ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले प्राथमिक विद्यालय छरहरा में शिक्षकों की मनमानी के चलते बच्चों को घंटों विद्यालय के बाहर इंतजार करना पड़ता है, जिसकी वजह से बच्चों का पठन पाठन कार्य भी बाधित होता है। जानकारी के मुताबिक विद्यालय के खुलने का समय 8:40 है, लेकिन 9 बजे तक भी विद्यालय के गेट का ताला नहीं खुलता, जिसकी वजह से घंटे भर विद्यालय के बाहर बच्चों का इंतजार रहता है। फिलहाल इस पूरे मामले पर जिला विधिक शिक्षा अधिकारी शिवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि मामले की जाँच कर कार्रवाई की जाएगी। कहाँ रहते हो? राही। यहाँ क्या करने आया? पढ़ने। स्कूल खुला है कि बंद है? बंद है। बंद है? कितने बजे की स्कूल है? 9 बजे की। नहीं। कोई मास्टर आए हैं? नहीं। नहीं आए हैं?
कितनी देर में आते हैं मास्टर? अभी आते हैं। कितनी देर में आते हैं? 9:30 बजे। 9:30। हमीरपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र के मेरापुर में पत्नी की मौत के सदमे में आकर पति ने घर में खुदकुशी कर ली। बता दें कि एक सप्ताह पहले बीमारी के चलते उसकी पत्नी की मौत हुई थी। ससुरालजनों पर पति को लगातार प्रताड़ित करने का आरोप है। युवक मोबाइल का व्यवसाय करता था। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। प्रयागराज के उतराव थाना क्षेत्र के मोतिया गांव में एक पत्रकार की निर्मम हत्या कर दी गई। शव और मोटरसाइकिल घर से 300 मीटर दूरी पर मिले। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शव के पास एक तमंचा भी बरामद हुआ है। पुलिस हर पहलू पर जांच में जुटी हुई है। वहीं सूचना पर फंसी टीम डायगोस्कैड भी पहुंचकर जांच पड़ताल में जुटी है। मृतक रंजीत की मौत से पत्नी राधिका और माता श्यामा कुमारी का रो रो कर बुरा हाल है। मौके पर क्षेत्र लोगों की भारी भीड़ देखी गई। 19 मार्च 2024 को थाना उतराव में ग्राम मोतिया में एक हत्या की सूचना प्राप्त हुई। मृतक का नाम रंजीत कुमार मौर्य, पुत्र स्वर्गीय हरिलाल मौर्य, जिनकी उम्र लगभग 29 वर्ष है। सूचना प्राप्त होने पर थाना प्रभारी उतराव ACP हंडिया व मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। मौके पर फील्ड यूनिट, डॉग स्क्वाड, स्वाट और सर्विलांस की टीम उपस्थित हैं। इस घटना के संबंध में 4 संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। और झांसी जिले के थाना रैचूरा निवासी ग्राम इटालिया में हरदयाल कुशवाहा ने अपनी पत्नी को मायके से ले जाने को लेकर लाठी डंडों से मारपीट कर मार डाला। सूचना पर रैचूरा पुलिस मौके पर पहुंची, शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं हत्या करने वाला बेटा फरार बताया जा रहा है। रैचूरा में क्या घटना है सर? थाना रैचूरा के इटायल ग्राम में कल एक बेटे ने नशे की हालत में अपने पिता से किसी बात को लेकर उनका झगड़ा हो गया था। उसने गुस्से में एक डंडे से सर पर मार दिया, जिनकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। मृतक का नाम बालकृष्ण कुशवाहा है और इनके शव का पंचायत नामक पोस्टमार्टम कराकर अग्रेतर विधिक कार्रवाई अमल में लाई गई। खबर झांसी के समतर थाना क्षेत्र के ग्राम बुढ़ेरा घाट से, जहां एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग एक युवक के साथ मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं विरोध करने पर उसके साथ मारपीट भी की गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 16 मार्च का बताया जा रहा है, जिसकी शिकायत पर पीड़ित की पत्नी अंजनी ने समतर पुलिस से कही, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। रायबरेली के खीरो थाना क्षेत्र के गणेशपुर गांव में रीना अपनी दो बच्चे आर्यन और आयुष को छप्पर किंचे सुलाकर धुआं सुलगा दिया था, ताकि बच्चों को मच्छर न लगे, और दुकान में सामान लेने चली गई। तभी अचानक छप्पर में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर ली। जब तक ग्रामीण छप्पर किंचे से दोनों मासूम को बाहर निकालते, तब तक आग की लपटों में आने से दोनों मासूम गंभीर रूप से झुलस गए, जिसमें 6 महीने के आर्यन की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं दूसरा बच्चा आयुष गंभीर रूप से झुलस गया। स्थानीय लोगों की मदद से बच्चों को इलाज के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र लाया गया है, जहां हालत गंभीर बनी हुई है। मवरानीपुर थाना अंतर्गत डोड़ी फतेहपुर निवासी युवा किसान पुष्पेंद्र 35 वर्ष का बताया जा रहा है, जिसने 19 मार्च को खुदकुशी कर ली थी। बता दें कि 2 जून को जनपद झांसी के ग्रामीण अचलों में भयंकर भारी ओलावृष्टि हुई थी। इसके चलते तहसील क्षेत्र के कई गांवों के किसानों की फसलें नष्ट हो गई। सिकड़ी में पुष्पेंद्र सिंह के खेत में भी फसलें पूरी तरह से नष्ट हो गई, लेकिन उसका किसी तरह से कोई भी ना तो कर्जा माफ हुआ था और ना ही किसी तरह का कोई आश्वासन मिला था, जिसकी वजह से वो परेशान था। इस वजह से उसने खुदकुशी कर ली। दादी, आज जो घटना हुई है बड़ाई गांव में, क्या मामला है वहां का? देखिए, आज बहुत हृदय विदारक घटना घटी है अन्नदाता के ऊपर। जनपद झांसी के ग्राम बुढ़ाई निवासी एक किसान है पुष्पेंद्र सिंह, जिनकी उम्र अभी 35 वर्ष है, युवा किसान थे, जिसके पास लगभग 4.5 बीघा जमीन है और उसी जमीन में खेती किसानी करके अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करता था। लेकिन विगत पंजाबी एकता समिति ने होली मिलन का भव्य आयोजन एक होटल में किया। कार्यक्रम का शुभारंभ गायत्री मंत्र और गुरबानी गायन से किया गया। उसके बाद सभी ने एक दूसरे को चंदन का तिलक लगाकर फूल बरसाकर होली खेली। कार्यक्रम में बलजीत सिंह, अतुल गांधी, मुकेश तलवार, गगनदीप को समिति के मुख्य कार्यकारिणी में शामिल करने की शपथ दिलाई गई और कार्यकारिणी सदस्यता प्रमाण पत्र भी यहाँ पर सौंपे गए। गत रात्रि हमने अम्बालोर स्थित एक होटल के सभागार में होली मिलन का एक कार्यक्रम किया, जिसमें सर्वप्रथम जो हमने सरस्वती वंदना और उसके बाद गुरबानी के शब्द से कार्यक्रम का शुरुआत की, और उसके बाद एक दूसरे को चंदन का तिलक लगाकर फूलों की वर्षा के साथ होली खेली। इस दौरान वक्ताओं ने बताया कि होली का पर्व क्यों मनाया जाता है, उसके साथ साथ हमारे सिख समाज में होले महल्ले के रूप में उसको क्यों मनाया जाता है, ये भी हम लोगों ने बताया।
हरदोई जिले में किसान की गोली मारकर हत्या करने की सनसनीखेज घटना सामने आई। दरअसल किसान घर से खाना खाकर रोड में निकला था और सोने चला गया, जो कि रोड पर बनी हुई थी दुकान। तभी सोते समय युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना पर एसपी पुलिस बल फॉरेंसिक की टीम के साथ पहुंचे। मौके पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पूरे मामले की जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। मैं केशवचंद गोस्वामी, पुलिस अधीक्षक हरदोई। आज हतरौली थाने में एक शव बरामद हुआ है रहियामू गांव में, जहां पर सुरेश सनौप पुत्तू पासी जाति के हैं और लगभग 40 वर्ष उम्र है। उनकी अर्धनिर्मित दुकान में उनका शव मिला, जहां पर उनके सीने में गोली लगी हुई है और 12 बोर का एक खोखा मिला है। उनके पिता पुत्तू की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है दो लोगों के खिलाफ और इसमें अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। सीतापुर तहसील मिश्रे के मछरहेटा ब्लॉक के ग्राम पंचायत गुंदौली में महर्षि ददीची की पावन तपोभूमि कस्बा मिश्रे का विश्व विख्यात 84 कोशीय धार्मिक होली परिक्रमा मेला चल रहा है, जो आज मंडिरवा पड़ाव स्थल से अपने 18वें पड़ाव स्थल गुंदौली आ गया। यहां सभी परिक्रमार्थी शिव मंदिर पर रुककर महादेव मंदिर और बजरंगबली मंदिर और साईं बाबा स्थान आदि दर्शन स्थलों के पूजन दर्शन करके यहीं रात्रि विश्राम करेंगे। सपा के पूर्व कारागार मंत्री रामपाल राजवंशी ने परिक्रमा स्थल की सफाई व्यवस्था की खुद ही जिम्मेदारी उठाई। किसी भी परिक्रमार्थी को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, इसके लिए कार्यकर्ताओं को चौकन्ना रहने की हिदायत भी दी है। हर साल की तरह यहाँ पर तमाम लोग मौजूद नजर आए। कानपुर के जाजमऊ आगजनी मामले में MP MLA सेशन कोर्ट में सुनाया जाने वाला फैसला एक बार फिर से टल गया है, जिसकी सुनवाई अब 22 मार्च को होगी। दरअसल विशेष न्यायाधीश के अवकाश पर होने की वजह से मुकदमे में फैसला नहीं आ पाया। वहीं आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में MP MLA कोलोवर कोर्ट में इरफान को पेश किया गया। कड़ी सुरक्षा में महाराजगंज जेल से कानपुर पहुंचे इरफान अपने साथ धार्मिक पुस्तक भी लेकर आए थे। बिना कुछ बोले उन्होंने हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन दिया। जिला निर्वाचन अधिकारी धीरज सिंह गर्ब्याल ने जानकारी देते हुए बताया कि चुनाव आयोग ने चुनाव में किसी भी तरह के गैरकानूनी काम को रोकने के लिए एक ऐप तैयार किया है। अगर कोई भी शख्स ये देखता है किसी भी प्रत्याशी पार्टी अन्य व्यक्ति की ओर से पैसा बांटने, रिश्वतखोरी, मुफ्त उपहार, शराब वितरण, अनुमति समय से देर तक लाउडस्पीकर बजाने जैसे कार्यक्रम किए जा रहे हैं, या फिर ऐसा कोई भी काम जो चुनाव आचार संहिता को तोड़ता हो, तो वो ऐप के जरिए तुरंत शिकायत कर सकता है। शिकायत में नागरिक टेक्स्ट मैसेज, लाइव फोटो या वीडियो कैप्चर कर भेज सकता है। धर्म संसद के आयोजकों में शामिल हुए स्वामी यति नरसिंहानंद ने एक और धर्म संसद का ऐलान कर दिया। हरिद्वार के सर्वानंद घाट पर यति नरसिंहानंद ने कहा कि दिसंबर महीने में गाजियाबाद से डासना पीठ पर धर्म संसद आयोजित की जाएगी। सारपुर स्थित दारुल उलूम द्वारा गजवाए हिंद को लेकर फतवा जारी किए जाने से नाराज यति नरसिंहानंद ने चारों पीठों के शंकराचार्य को पत्र लेकर धर्म संसद में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। नरसिंहानंद ने कहा है कि इसके बाद सभी 13 अखाड़े में आचार्य महामंडलेश्वर से भी आग्रह किया जाएगा। कानपुर में पश्चिमी विक्षोभ का असर कानपुर मंडल सहित प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अगले 5 दिनों तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है। ऐसे में दिन में धूप हो सकती है चटक और बीच बीच में बादल और उमस वाली गर्मी पड़ सकती है। सीएस के मुताबिक विभाग प्रमुख डॉक्टर एस एन पांडे ने बताया कि इस साल देश के उत्तरी मैदानी इलाकों में मार्च से मई के बीच कई बार प्री मानसून बारिश सामान्य से अधिक दर्ज की जा चुकी है। इसी वजह से इन महीनों के बीच तापमान सामान्य से कम है। लू औसत मात्रा की तुलना में कम ही चली है। हीट वेव की स्थिति सिर्फ 5 दिन तक रही है। उन्होंने बताया कि जून में थोड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। तो लोग अपने इलाज के लिए जिला अस्पताल आते हैं, पर यूपी के फतेहपुर जिले में जिला अस्पताल के ट्रामा सेंटर से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें युवक शराब के नशे में होने के बावजूद शराब पीने के लिए पानी मांगता हुआ दिखाई पड़ रहा है और कानपुर जाने के लिए एम्बुलेंस मांगता भी सुना जा सकता है। मंगलौर क्षेत्र में ही लगातार विद्युत कटौती से परेशान सैकड़ों किसानों ने मंगलौर बिजली घर का घेराव कर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए। किसानों ने विद्युत विभाग के किसानों का शोषण किए जाने का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि विद्युत विभाग के अधिकारी जानबूझकर विद्युत कटौती कर रहे हैं और बिजली के बिल भी बढ़ाकर भेज रहे हैं। बिल ठीक कराने के लिए किसानों को दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं। किसान कई बार विभागीय अधिकारियों से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बिजली घर पर धरना दिया हमने 15 तारीख में, एक नोटिस जारी कर दिया था यहाँ के SC महोदय को, दोनों एक्शन को, ग्रामीण वाले को भी, टाउन वाले को भी, क्योंकि क्षेत्र में लगातार एक तो अघोषित बिजली कटौती करी जा रही और अवैध तरीके से छप्पेमारी करी जा रही और किसानों पर, मजदूरों पर, गरीब जनता पर बिल इतने बढ़ा चढ़ा के भेजे जा रहे। अगर किसी का बिल एक महीने का 1000 का आया तो अगले महीने में वो 5000 का होगा और ठीक करने के लिए किसानों को, मजदूरों को चक्कर काटने पड़ रहे। हमारे पास रिकॉर्डिंग है जो वो ठीक करने के लिए उनके जो कर्मचारी में पैसे मांगते हैं। तो हमने कई बार अधिकारियों को कहा, लेकिन बिजली विभाग इतना लापरवाह हो रहा है कि किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ ऑल इंडिया के साथ।